Come to common terms between us, let's obey one God, regards our parents, relatives, and poor, deal everyone with humbleness. Let's remain brothers and united. We will rule the world together. मैं बड़ा मुल्क हूँ, तुम छोटे मुल्क हो। मैं हिंदू हूँ, तुम मुसलमान हो। मेरी ताकत ज्यादा है, कश्मीर हमारा है। लोग काफी हो, कश्मीर हमारा है, क्योंकि कश्मीर भी मुसलमान है। हमारे पास एटम बम भी है। देखो, जाहिल हमेशा इख्तलाफात देखता है और अकलमंद हमेशा यकसानियत देखता है। आओ हम अकलमंद बन के सुने एक दूसरे को। हम सब का खालिक एक है और खुदा एक है, जिसने ये पूरी कायनात बनाई। हिंदू को भी पैदा किया, पाकिस्तानी को भी पैदा किया। वो रब्बुल आलमीन है, यानी कि तमाम जहानों का रब। सब अच्छे नाम उसके हैं। अब अकलमंदो सुनो, सिर्फ खुदाए वाहिद को सुनो कि हमारा खुदा क्या कहता है। उस पर अमल करोगे तो एक हो जाओगे, वरना हमेशा हमेशा के लिए लड़ते रहोगे। सुनो हमारा खुदा क्या फरमाता है। हमारा खुदा कहता है, वालदेन का एहतराम करो, रिश्तेदारों के साथ एहसान करो, यतीमों मस्किनों के साथ एहसान करो, खुदा की तस्बीहात बयान करो, भाई भाई बन के रहो। याद रखो, तुम दोनों एक हो जाओगे तो दुनिया घुटने टेक देगी। तुमसे बढ़कर कौन अपने वालदेन का एहतराम करने वाला है? तुमसे बढ़कर कौन रिश्तेदारों के साथ एहसान करने वाला है? तुमसे बढ़कर कौन है जो शर्मो हया करने वाला है? अरे तुम्हारे गरीब जिस जज्बे से मुसीबत से लड़ते हैं, दुनिया के सामने मिसाल है। तुम्हारे अमीर जिस तरह से खैरात करते हैं, दुनिया के सामने मिसाल है। अकल वालों, तुमसे बढ़कर कौन बेहतरीन अखलाकियात वाला है? जाहिल ना बनो, मिल जाओ। दुनिया तो चाहती है तुम लड़ो, क्योंकि अगर तुम एक हो गए तो खुदा की इस दुनिया के वारिस बन जाओगे और खुदा तुम्हें हुक्म और इल्म अता करेगा। 14 और 15 अगस्त में सिर्फ एक दिन का फर्क है। सदियों की दूरियां ना पैदा करो आपस में। बस जो मैं कह रहा हूं सुनो, एक कदम बढ़ा लो, एक खुदा की बात मान लो, तुम एक हो जाओगे।